हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक न्यू वीडियो में। माइनक्राफ्ट सर्वाइवल जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है हमारा गरीब खाना जो थोड़ा बहुत मैंने ऑफलाइन बनाया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल कुछ कुछ काम मैंने पहले ही कर लिया ऑलरेडी वर्ल्ड में, ताकि ज़्यादा आप लोग को बोर ना हो। कुछ काम मान लेते हैं, वैसे भी थोड़ा बुक बनाने में काम आएगा। हाँ तो आगे चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा मैंने माइंस भी बनाई हैं जो आप लेके चलते हैं वहाँ पे। ये है मेरी माइंस जो मैंने थोड़ा बहुत बनाया ऑफलाइन। थोड़ा नीचे में ये फंस गया। अच्छा, ये डस्ट हटानी पड़ेगी, हटा दो। फिर उसके बाद देखते हैं कि माइंस में मैंने क्या क्या किया। आप देखना था, मतलब गोल्ड वाली माइन अलग नीचे तक की है, और गोल्ड कह रहे हैं डायमंड, क्योंकि इसमें तो डायमंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इसे डस्ट वोट हटा लेते हैं। यार मेरी केव कहाँ गई, रास्ता किधर गया, मैं तो भूल ही गया। इधर ही तो था यार, मैं भूल कैसे गया, यहाँ पे था शायद, मुझसे गलती से लग गया, मिल गया। चलो तब चलते हैं नीचे, थोड़ा आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं मेरी माइंस मैंने जो बनाई है। थोड़ा ये सीढ़ियाँ उड़ियाँ भी लगा दी ऑलरेडी मैंने, कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो खास कर से हम लोगों को। तो हम लोग नीचे आ गए हैं। ये है जो मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा माइंस की थी मैंने आयरन ढूंढने के लिए, तो फिर आयरन तो मिला ही नहीं उतना कुछ खास। और ये जो सीढ़ियाँ ये जाती है डायमंड के लिए नीचे, जिसमें डायमंड की माइनिंग करते हैं। फिलहाल हम लोगों को तो आयरन चाहिए, तो आयरन के लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा माइंस करते हैं और माइन करके थोड़ा आयरन ढूंढते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आयरन मिल जाए। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं लोग, क्योंकि आज चाहिए आयरन, और आयरन मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए लोगों को आयरन फार्म बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो थोड़ा बहुत आयरन चाहिए ना, जैसे कि अपने फुल बॉडी आर्मर के लिए। थोड़ा मिल गया यहाँ पे आयरन, तो इसको थोड़ा माइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि शायद मिल जाए, क्योंकि आयरन का ज़रूरी है होना, क्योंकि हम लोगों को फुल बॉडी आर्मर चाहिए, वरना क्रीपर हैं आके हम लोगों की पैंट बचा देंगे। तो फुल बॉडी आर्मर के लिए ज़रूरी है, और थोड़ा अपने लिए औजार बना लेंगे और शील्ड बना लेंगे। शील्ड भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शील्ड है तो फिर आसान है लड़ना भूतों से, प्रेतों से, जिससे भी बोल लो। अब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, शायद स्वॉर्ड है तो वो तो है ही आयरन की, तो यही सब चाहिए। तो कोल भी तो ज़रूरी है, क्योंकि मेल्ट करना होगा इस आयरन को, तब जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिलहाल सबसे चार कोल निकाल लेते हैं, फिर आगे हम सोच रहे हैं कि आयरन फार्म बना ले, तो ये सब इतना झंझट
कर रहे हैं ना, ये सब छुट्टी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आयरन फार्म बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे, आयरन फार्म बनता कैसे ये भी हमको ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि हम आयरन फार्म बनाएं। इतनी मेहनत यहाँ पे आकर ना करना पड़े, बस गोल्ड के लिए मेहनत करना पड़े। तो गाइज़ आप लोग फिर कमेंट में बता दीजिएगा कि आयरन फार्म बनाए कि नहीं। अगर आपको आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट कर सकूँ। अगर इस पर अच्छा खासा लाइक्स आ गए वीडियो पे तो मैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल मतलब रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का। ऐसे तो अभी ये फ़िलहाल मेरा पहला वीडियो है जिस पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है क्या नहीं। फ़िलहाल ऊपर चलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ, शानदार घर हमारा। थोड़ा बहुत मैंने किया अभी डेकोरेशन करना बाकी है, बस थोड़ा मैंने टॉप फ्लोर बना दिया है थोड़ा बहुत, बाकी और करना है। यहाँ पे गाय को ले लेते हैं, उससे उसकी चमड़ी ले लेते हैं तो बुक बनाने में काम आएगा हम लोगों को। फिलहाल थोड़ा पहले हम लोग आयरन मेल्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे गोल्ड मिला था हमको, बस एक गोल्ड मिला था, इतनी मेहनत करने बाद तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। फिलहाल यहाँ पे आयरन मेल्ट कर देते हैं। हमारे पास चारकोल तो है लेकिन उसके तो हम लोग यूज़ करेंगे मोमबत्ती के लिए। फ़िलहाल हम लोग लकड़ी काट लेते हैं आयरन मेल्ट करने के लिए, क्योंकि चारकोल अभी ज़्यादा तो मिला नहीं है। अब हम लोगों को बनाना है तो मोमबत्ती भी बनाना है, तो फिर लकड़ी डाल देते हैं, लकड़ी तो मेल्ट कर देंगे क्योंकि लकड़ी की यहाँ पे कमी नहीं है। इस आइलैंड में बहुत ज़्यादा लकड़ी है, बहुत ज़्यादा वुड है, इसकी कोई कमी नहीं है, चारों तरफ लकड़ी लकड़ी है। इसलिए कोल तो कम है, लकड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग कोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोल का इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने के लिए करेंगे और लकड़ी का पिघलाने के लिए। तो फिलहाल हमारा ये फर्नेस में रेडी हो रहा है, तब से मैं आप लोगों को अपना घर दिखा देता हूँ अंदर से। देख थोड़ा बहुत जो मेहनत किया, यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे, हम लोग आपको घर दिखाएंगे। थोड़ा बहुत मेहनत की मतलब डेकोरेशन करना बाकी है थोड़ा बहुत, जैसे अभी किया नहीं है। जैसे कि यहाँ देख लो थोड़ी बहुत रह गया, अभी कर देता हूँ फिलहाल, नीचे का भी कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये सब मैंने पूरा पूरा मतलब शीशे का बनाया हुआ है, ग्लास है, एक बार लगा तो समझ लगा। फिर भी आप लोग कमेंट बताइएगा ये मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है मेरा घर, देख लीजिए आप लोग। ये बालकनी टाइप का मैंने बनाना सोचा है, यहाँ पर कुछ लाइट वाइट लगानी है, तो आगे सब किया जाएगा अगर जैसा रहा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग का आयरन मेल्ट हो गया, चलते हैं नीचे, हम लोग अपना फुल बॉडी आर्मर बनाते हैं और एक शील्ड बनाते हैं। ठीक है चलो तब चलते हैं आयरन मेल्ट कर लेकर अपना सब काम करते हैं। आयरन तो मेल्ट हो गया, हाँ आयरन तो मेल्ट हो गया, इसमें का इसमें तो पूरा हो गया। चलो तब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम लोगों को बनाना है, पहले दो बकेट बना लेते हैं क्योंकि वाटर काम आएगा, वाटर पर लेना, बकेट होना ज़रूरी है क्योंकि वाटर लेना है और लावा लेना है, सब काम आएगा। एक चेस्ट बना लेते हैं, एक हेलमेट बना लेते हैं, एक पैंट बना लेते हैं, पैंट बनी नहीं क्या, जूता जूता भी बना लेते हैं, हेलमेट चेस्ट। यार मेरा भर गया है इन्वेंट्री, मुझे बंद